स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बुक विस्टास फॉर द क्लास 12th. सो द चैप्टर्स नेम इज द टाइगर किंग. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे ऑथर के इंट्रोडक्शन के साथ. हमारे ऑथर थे रामास्वामी अय्यर कृष्णामूर्ति, पर उनका पेन नेम था कल्कि. सो बेसिकली जो ये स्टोरी है, इट्स अ सटायर. सटायर वो होता है कि किसी कॉमिकल वे में, बेसिकली मजाक में एग्जैजरेट करके चीजों को उसे ऐसे फनी वे में प्रेजेंट करे, बट जो हमेशा स्टोरी होती है उसके पीछे कुछ सीरियस इशू होता है या आइडियोलॉजी होती है. सो दिस इज अ फन वे टू प्रेजेंट समथिंग वेरी सीरियस. सो हम अब स्टार्ट करेंगे स्टोरी के साथ. सो लाइक आई सेड कि सटायर में हमेशा कोई सीरियस इशू को फोकस किया जाता है, उसी तरह इस स्टोरी में हमें रीड करने से पहले कहा गया है कि पहले सोचो कि वॉट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड डू पीपल एज इन ह्यूमन बींग्स होल्ड टूवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स. इसका मीनिंग ये है कि हमें स्टोरी रीड करने से पहले ये सोचना होगा कि हम वाइल्ड एनिमल्स को किस नज़रिए से देखते हैं और हम इन्हें कैसे ट्रीट करते हैं. तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से. हमारे स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं महाराजा और प्रतिबंधापुरम, जिन्हें हम प्रोटैगनिस्ट भी कह सकते हैं. प्रोटैगनिस्ट का मीनिंग है हमारे स्टोरी के मेन कैरेक्टर. तो उन्हें बहुत से नामों से जाया जाता था, जैसे हाइनेस, जामेदार जनरल, खेदार मेजर, और ऐसे बहुत से नामों से उन्हें जाना जाता था. पर उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता था किस नाम से, वो था द टाइगर किंग, जहां से हमारे चैप्टर का नाम आता है. और अब हमें ऑथर बताएंगे कि उन्हें टाइगर किंग इन द फर्स्ट प्लेस बुलाया क्यों जाता था. सो वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उन्हें टाइगर किंग क्यों बुलाया जाता था. अब ऑथर कह रहे हैं कि वो हमें पूरी स्टोरी बताएंगे बिल्कुल एंड तक, और वो इतने एक्साइटेड है हमें स्टोरी बताने के लिए कि वो कहते हैं कि उसका एंड एक स्टुका बॉम्ब, जो एक टाइप का बॉम्ब होता है जो यूजली वॉर्स के टाइम यूज होता है, वो भी अगर उन पे कोई फेंक देगा तो भी वो एंड खत्म करके ही मरेंगे. अभी तक बेसिकली हमारे ऑथर क्यूरियोसिटी बिल्डअप कर रहे हैं कि सारे रीडर्स को इतना इंटरेस्ट आ जाए कि इतना ऐसा क्या एंड हो सकता है स्टोरी का कि वो इतना ज्यादा मोटिवेटेड है एंड बताने के लिए. सो हम आगे बढ़ते हैं. ऑथर कहते हैं कि स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है, मतलब इम्पेरेटिव मीन्स ज़रूरी, कि वो ऐसे मैटर्स, इम्पॉर्टेंट मैटर्स डिस्क्लोज करें, मतलब हमें बताएं जो टाइगर किंग के बारे में बहुत ज़रूरी है हमारा जानना. जो भी टाइगर किंग के बारे में पढ़ते हैं उन्हें अपने आप ही एक नेचुरल सा डिज़ायर आता है, मतलब अंदर से ही मन करता है कि वो टाइगर किंग से फेस टू फेस मिल सके, क्योंकि उनके पास इतना इनडोमिटेबल करेज होता है. इनडोमिटेबल मतलब होता है किसी को, इनडोमिटेबल उसे कहते हैं जिसे हराया नहीं जा सकता. करेज होता है हिम्मत. पर ये जो डिज़ायर है टाइगर किंग को एक्चुअली फेस टू फेस मिलने का, वो कभी पूरा नहीं होगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइगर किंग अब नहीं रहे. इन सिंपलर वर्ड्स, टाइगर किंग इज डेड. टाइगर किंग की डेथ का इंसिडेंट इतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर है, इतना इंटरेस्टिंग मैटर है कि उसे ऑथर ने बोला है कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सो दैट रीडर्स का इंटरेस्ट बना रहे. एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मीनिंग होता है एक्सेप्शनल, मतलब बिल्कुल अलग, बिल्कुल हटके, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, अमेजिंग, सरप्राइजिंग. और ये बात ऑथर बिल्कुल स्टोरी के एंड में रिवील करेंगे, क्योंकि वो हमें बिल्कुल बना के रखना चाहते हैं बिल्कुल एंड तक स्टोरी के. टाइगर किंग के डेथ की, मतलब डिमाइस मीन्स डेथ, टाइगर किंग के डेथ का सबसे ज़्यादा फैंटास्टिक एस्पेक्ट ये है कि, फैंटास्टिक एस्पेक्ट मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे ही वो पैदा हुए थे तभी एस्ट्रोलॉजर्स ने बोल दिया था कि उन्हें एक ना एक दिन मरना होगा. हम यहीं पर सटायर देख सकते हैं, एग्जैजरेशन देख सकते हैं. एग्जैजरेशन मतलब किसी छोटी सी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर बताना. तो जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स मतलब जो दूसरों का भविष्य बता सकें, तो जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो कहते हैं कि एक दिन टाइगर किंग मर जाएंगे. तो इसमें एस्ट्रोलॉजर्स कोई नई बात नहीं बताते, बट देन वो टाइगर किंग है, उनको बहुत ही ज़्यादा इनडोमिटेबल कैरेक्टर बताया गया है जो बहुत ही ज़्यादा करीजियस है. सो उनका मरना भी बहुत बड़ी बात होगी. एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि ये जो बच्चा है वो बड़े होके वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस बनेगा. पर वो बोलते बोलते रुक जाते हैं. दे बाइट देयर लिप्स एंड स्वॉलो हार्ड. दैट इज बिकॉज कि उनको बोलने से ही आगे डर लग रहा था. ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स को एक बुरी खबर मिली थी जिनके बारे में वो जानते थे, पर उनको ज़बरदस्ती बुलवाया जाता है. सो जब व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट,
तो काफी फोर्स करने के बाद एस्ट्रोलॉजर उन्हें बता देता है, तो वो कहते हैं कि दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल. ये एक सीक्रेट है, मतलब ये एक ऐसी खबर है जो सबको नहीं बतानी चाहिए, पर अब मुझे बताना पड़ेगा. तो अभी भी एस्ट्रोलॉजर किसी तरह कोशिश कर रहा है कि वो असली न्यूज ना बताए, तो इसलिए वो थोड़ा लाइटली उनके सामने न्यूज रखता है. वो कहता है कि द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ. तो बेसिकली अभी भी एस्ट्रोलॉजर्स ने कोई नई बात नहीं बताई, बट उन्होंने किसी तरह से जता दिया कि उन्हें पता है कि टाइगर किंग का डेथ कैसे होगा. तो इसी मिनट पे एक मिरेकल होता है और ये बहुत ही एस्टोनिशिंग फ्रेज निकलता है हमारे टाइगर किंग के मुंह से, जो सिर्फ अभी 10 साल के हैं, जिनका नाम था जिलानी जंग जंग बहादुर. वो कहते हैं, ओ वाइस प्रोफेट. ऑल्सो मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, और एस्टोनिशिंग मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग. तो वो कहते हैं, ओ वाइस प्रोफेट्स. प्रोफेट्स उन्हें कहा जाता है जो दूसरों का फ्यूचर बता सके, और जिन लोगों को पीपल ऑफ गॉड माना जाता है. तो ये सुन के सभी चौंक जाते हैं और कोई विश्वास ही नहीं कर पाता. पर फिर से वो 10 साल का बच्चा बोलता है, ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक. तो जब पहली बार में बच्चे ने बोला था कुछ, तब किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात है, कोई 10 साल का बच्चा बोल थोड़ी सकता है. तो इस बार जब सबने सुना, तो इस बार किसी को डाउट नहीं रहा कि उसी बच्चे ने ही बोला है. एक बच्चा जो सिर्फ 10 दिन पहले पैदा हुआ था, और उसने इतने आराम से वो वर्ड्स बोल दिए और इतनी क्लियरली बोले. एनाउंसिएशन होता है जिस तरह से हम वर्ड्स को बोलते हैं. तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो इतना चौंक जाते हैं कि वो अपना चश्मा उतारते हैं और फिर बहुत ध्यान से उस बच्चे की ओर देखते हैं. ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. तो टाइगर किंग कहते हैं कि जो भी एक दिन पैदा होता है वो एक ना एक दिन मरेगा, तो इसमें कोई prediction वाली बात थी ही नहीं. तो इसमें sensible बात करो और हमें ये बताओ कि मैं मरूंगा कैसे. और ये एक छोटे से infant मतलब छोटा बच्चा, उन्होंने अपनी squeaky voice में ये वर्ड्स बोले. स्क्वीकी वॉइस मतलब बच्चों वाली थोड़ी धीमी सी आवाज में बोला. जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो सोचने लगते हैं, अपनी नोज पे एक फिंगर रखते हैं और वो सोचते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ अभी 10 दिन का है, उसने अपना मुंह खोला और फिर उसने एनन्सिएट किया अच्छे से वर्ड्स को, और उसने बोलना ही स्टार्ट कर दिया अभी से, और उसे अभी सिर्फ 10 दिन हुए. यहाँ तक कि उसने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी पूछे, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस एज इन कि उसने काम की चीजें भी पूछे. तो चीफ एस्ट्रोलॉजर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए, मतलब बहुत खुश हो गए ये देख के. उन्होंने सोचा कितना इनक्रेडिबल है, मतलब कितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और कितना अमेजिंग है. और साथ ही साथ उन्हें ये सब कुछ बहुत एग्जैजरेटेड भी लगता है, जैसे वॉर ऑफिस के बुलेटिन बोर्ड्स पे सब कुछ एग्जैजरेटेड कर देते हैं, क्योंकि वो बच्चा फैक्ट्स की बात नहीं कर रहा, उसको बस अपने आप से मतलब है और वो यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है. तो फाइनली जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है वो अपने नोज पर से फिंगर हटाता है और छोटे प्रिंस को देखने लगता है. अब छोटे प्रिंस ने एस्ट्रोलॉजर से एक बहुत भारी सवाल पूछ लिया है. उन्होंने सामने से बोला है कि आप काम की बात नहीं कर रहे हो, असली बात बताओ. तो अब फाइनली एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि जो प्रिंस है, जो छोटे टाइगर किंग है, वो आर ऑफ बुल में पैदा हुआ है. मतलब ये जो वक्त होता है अकॉर्डिंग टू जोडियाक साइंस, मतलब राशि, तो वो कहते हैं कि आर ऑफ बुल होता है, बुल होता है सांड, तो उसके टाइम पर वो पैदा हुआ है. और टाइगर्स बुल्स के एनिमीज होते हैं. टाइगर्स मतलब शेर और सांड एनिमीज होते हैं. तो देयरफॉर मतलब उनकी मौत जो होगी वो किसी टाइगर के थ्रू होगी, मतलब एक शेर की वजह से होगी. ये सब हो जाने के बाद हम सोचेंगे कि वो जो छोटे प्रिंस हैं, जंग जंग बहादुर, हमें लगेगा कि ये सब सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे जब वो ये वर्ड सुनेंगे, टाइगर मतलब शेर. पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. इनफैक्ट इसकी जगह ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने ये वर्ड सुना टाइगर, तभी के तभी जो छोटे प्रिंस थे उन्होंने एक आवाज़ निकाली गुस्से में, और फिर बहुत ही डरावने शब्द उनके लिप्स में से निकले. उन्होंने बोला, लेट टाइगर्स बी वेयर, मतलब सारे टाइगर्स को पहले से ही चौकन्ना होने के लिए बोल दो. तो ये सब सुन के पहले से ही हमें लगता है कि ये बातें बहुत बड़ा चढ़ा के बता रखी है, क्योंकि एक 10 दिन का बच्चा, उसे ये भी नहीं पता होता कि टाइगर होता क्या है,
जबकि ये क्राउन प्रिंस को ये भी पता था कि टाइगर क्या होता है, और वो इंटेलिजेंट बातें भी कर रहा था, और वो ये भी कह रहा था कि सारे टाइगर्स से वो नहीं डरता पर बाकी टाइगर्स को उससे डरना चाहिए। तो ऑथर कहते हैं कि ये सब होने के बाद वो कहते हैं कि ये सब बातें जो मैंने अभी बताई है प्रतिबंधपुरम में जो हुआ है, ये सब कुछ वैसे तो रूमर है, पर जब हम आगे के इंसिडेंट्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि शायद इन सब बातों में कुछ तो सच्चाई होगी। रूमर का मीनिंग होता है अफवाह। तो हम चैप्टर के सेकेंड फेज पे आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस अब बहुत बड़े हो चुके हैं और स्ट्रॉन्ग और टॉल हो चुके हैं, मतलब लंबे हो चुके हैं और बहुत ताकतवर हो चुके हैं। उनके बर्थ के टाइम पे जो मिरेकल हुआ था, मतलब चमत्कार हुआ था, उसके बाद से कोई ऐसा चमत्कार तो नहीं हुआ। उसके बाद ऑथर कहते हैं कि जो हमारे क्राउन प्रिंस हैं, मतलब द टाइगर किंग, उन्होंने इंग्लिश काओ का मिल्क पिया, मतलब इंग्लिश काओ का दूध पिया, और इंग्लिश नानी ने उन्हें बड़ा किया। नानीज़ होती हैं कि रॉयल फैमिलीज उन टाइम पर हमेशा ये देखते थे कि अब उनका जो बेटा है, उनका उनके जो बच्चे हैं, वो हमेशा किसी इंग्लिश पर्सन के थ्रू उनको रहन सहन सिखाया जाए। फिर उनको पढ़ाया भी इंग्लिश में गया था एक इंग्लिश मैन के थ्रू। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ देखी, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाकी सारे क्राउन प्रिंसेस देखते थे, बिल्कुल बाकी इंडियन स्टेट्स के प्रिंसेस की तरह। और फिर वो जैसे ही 20 साल के हुए, तो जो स्टेट था, जो पहले कोर्ट ऑफ वार्ड्स का हुआ करता था, वैसे ही उनके हाथों में आ गया। मतलब अब वो वहाँ के किंग बन गए। पूरे किंगडम को याद था बहुत अच्छे से कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्शन करी थी। सबने कंटिन्यू किया डिस्कस करना इन सब चीज़ों के बारे में, सभी के सभी इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बात करते थे, पर धीरे धीरे ये सब बातें महाराजा के कानों पर पड़ती हैं। प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे फॉरेस्ट थे, मतलब इन्यूमरेबल, मतलब काउंट करने से भी ज़्यादा। उनके स्टेट में इतने सारे फॉरेस्ट थे, दे हैड टाइगर्स इन देम, मतलब उसमें बहुत सारे टाइगर्स हुआ करते थे। और महाराजा जो थे हमारे टाइगर किंग, उनको ये सेइंग बहुत अच्छे से याद रहती थी कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। काउ को, काउ मतलब गाय, गाय को सबसे ज़्यादा पीसफुल एनिमल माना जाता है। और अगर तुम सेल्फ डिफेंस कर रहे हो, मतलब अपने आप को बचाने के लिए किसी चीज़ को, किसी एनिमल को मार रहे हो, तो वो दावस जस्टिफाइड, मतलब उसको कोई मना नहीं करेगा। तो टाइगर किंग ये सोचते हैं कि देर कैन सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शंस टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, कि अगर हम सेल्फ डिफेंस के लिए टाइगर्स को मारेंगे तो उसमें कोई कुछ कह ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइगर्स बेसिकली हैव अ नेचुरल इंस्टिंक्ट टू किल, मतलब टाइगर्स बहुत ही विशियस एनिमल्स माने जाते हैं, और वो बेसिकली एक इंसान को देखेंगे तो सीधा मार डालेंगे, बिकॉज उनका वो खाना है, फूड चेन। सो महाराजा ने ये डिसाइड किया कि वो एक टाइगर हंट पे जाएंगे और सारे टाइगर्स अपने स्टेट में से ख़त्म कर देंगे। और महाराजा ने जब अपना फर्स्ट टाइगर मारा तो वो इतना ज़्यादा खुश हुए और इतना एक्साइट हुए कि वो हम मेजर ही नहीं कर सकते। फिर उन्होंने अपने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को फिर से बुलाया, मतलब अपने फ्यूचर बताने वाले आदमी को फिर से बताया, और उनको जाके अपना डेड टाइगर दिखाया। और फिर उन्होंने बोलते हैं, उन्हें वो बोलते हैं कि व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। उन्होंने बहुत ही ठाट से बोला कि अब क्या बोलते हो तुम। फिर उन्होंने बोला कि एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, वो कहते हैं कि तुम 99 टाइगर्स को मार दो इसी तरह जैसे तुमने अभी इसको मारा है, तुम वैसे ही 99 टाइगर्स मार दो। पर फिर टाइगर किंग कहते हैं बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ऐसी बुरी खबर अगर राजा को देंगे और अगर राजा गुस्सा हो गए तो वो उनको भी मारने के लिए बोल सकते हैं। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजर बताने से डर रहा था। तो टाइगर किंग कहते हैं कि बिना डरे बिना झिझक के मुझे बताओ कि क्या बात है। तो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विथ द 100th टाइगर। तो हमारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि तुमने 99 टाइगर्स तो मार सकते हो, तुम मारो, पर जो 100वां टाइगर होगा तुम उसमें बहुत केयरफुल रहना। वो कहते हैं कि 100वां टाइगर उनको मार डालेगा। तो फाइनली हमारे टाइगर किंग कहते हैं कि व्हाट इफ द 100th टाइगर वर आल्सो किल्ड, व्हाट इफ मैं 100वें टाइगर को भी मार डालूं। तो हमारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स फाड़ दूंगा, उन्हें जला दूंगा, और मैं अपनी जो ये चोटी होती है उन, बिकॉज जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो एक छोटी सी चोटी रखते हैं, वो कहते हैं कि मैं वो भी काट दूंगा, अपने बाल छोटे कर दूंगा और फिर एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। तो सेकंड फेज में बेसिकली एस्ट्रोलॉजर ने
हमारे टाइगर किंग को चैलेंज कर दिया है कि अब तुम मेरे प्रेडिक्शन को गलत ठहरा के दिखाओ मुझे। इस दिन के बाद से प्रतिबंधापुरम के सारे टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम था। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि स्टेट में महाराजा के अलावा कोई और वहाँ पे हंटिंग नहीं कर सकता था, ऐसा महाराजा ने रूल निकाल दिया। तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई जिसमें ये बोला गया था कि अगर कोई एक पत्थर भी मारेगा एक टाइगर को तो उसका सारा वेल्थ एंड प्रॉपर्टी उससे ले लिया जाएगा, मतलब छीन लिया जाएगा। कन्फिस्केटेड मतलब होता है छीन लिया जाएगा, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी का मतलब होता है धन संपत्ति। फिर हमारे महाराजा ऐसा प्लेज लेते हैं, वाव करते हैं, मतलब शपथ लेते हैं कि आज के बाद वो अपने स्टेट के मैटर्स को तभी देखेंगे जब वो अपने 100th टाइगर को मार डालेंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, मतलब किंग जिस तरह से ठान लेते हैं उससे ऐसे ही लगता है कि शुरू शुरू में, इनिशियली मीन्स शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि वो बहुत ही एम्बिशियस है अपने इस शपथ को पूरा करने के लिए। एम्बिशियस मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मोटिवेशन होना। आगे ऑथर कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि कोई खतरा ही नहीं था। बहुत बार ऐसा हुआ कि बुलेट ने अपना मार्क मिस कर दिया, मतलब जब टाइगर किंग अपना निशाना लगा रहे थे तो निशाना चूक गया। तो ऐसा कई बार हुआ कि टाइगर उनके ऊपर चढ़ गया और उन्हें लड़ना पड़ा अपने बैर हाथों से, मतलब अपने खुद के हाथों से, पर हर बार हमेशा महाराजा ही जीतते थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि वो ऑलमोस्ट अपना थ्रोन लूज कर चुके थे, मतलब अपना राज हार चुके थे। कैसे? एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधापुरम आते हैं और वो टाइगर हंटिंग के बहुत शौकीन होते हैं और वो जो टाइगर मारते हैं उसके साथ उन्हें फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक होता है। तो इसी तरह एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधापुरम, तो उनको इसी तरह प्रतिबंधापुरम में टाइगर हंट करने का बहुत मन था। पर महाराजा ने ठान रखी थी कि उनके अलावा कोई भी उनके स्टेट में नहीं कर सकते टाइगर हंटिंग, तो उन्होंने परमिशन रिफ्यूज़ करवा दी। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी और हंट ऑर्गेनाइज करवा सकता हूँ, तुम जाके बैर हंटिंग कर सकते हो, यू मे कंडक्ट माउस हंटिंग एज वेल, मतलब तुम चूहा भी मार सकते हो, तुम बैर भी मार सकते हो, वी आर रेडी फॉर अ मस्कीटो हंट एज वेल। वो कहते हैं कि तुम मच्छर भी मार सकते हो पर टाइगर हंट नहीं कर सकते, वो तो हो ही नहीं सकता। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं वो अपने सेक्रेटरी को भेजते हैं और अपना एक वर्ड भिजवाते हैं, मतलब ये बात भिजवाते हैं उनको कि उनके महाराजा के दीवान के थ्रू कि जो दुराई है, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर है उनको ऐसे रेफर किया जाता है दुराई की तरह ब्रिटिश ऑफिसर को, कि वो उन्हें ज़रूरी नहीं है कि वो खुद ही टाइगर को मारे। वो कहते हैं कि महाराजा भी एक्चुअल किलिंग कर सकते हैं, मतलब एक्चुअली में वो भी टाइगर को मार सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये था कि उनको एक फ़ोटो मिलनी चाहिए होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकस, मतलब उनको बस अपने एक बंदूक के साथ और टाइगर के स्किन के साथ फ़ोटो खिंचानी थी। पर महाराजा ने इसके लिए भी हाँ नहीं बोला क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को हाँ बोल दिया तो उन्हें बाकी ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी टाइगर हंट के लिए हाँ बोलना पड़ेगा। बट ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। पर ऐसा करने की वजह से महाराजा ऐसे पोजीशन पे आ गए कि वो अपना पूरा किंगडम लूज कर सकते हैं। तो द टाइगर किंग मतलब द महाराजा और उनके दीवान ने इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात करी, बहुत विचार विमर्श किया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी इशू बन गया था। तो एज अ रिजल्ट इसके लिए एक टेलीग्राम भेजा गया एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकटा को, कैलकटा में रहने वाले एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश कंपनी को ज्वेलरी की। तो उनको बोला गया कि सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस। तो बहुत सारे सैम्पल्स मंगवाए गए, बहुत एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही ज़्यादा कीमती और महंगे डायमंड रिंग्स के। तो कुछ 50 रिंग्स आई और महाराजा ने सारी की सारी रिंग्स ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भिजवा दिए। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सानी टू चूज वन और टू रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। उन्होंने तो ये सोचा था कि उनकी जो वाइफ है वो एक या दो रिंग्स चूज करेंगी और बाकी सारी भिजवा देंगी, पर होता ये है कि वो सारी की सारी रिंग्स रख लेती है और वो बोलती है थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर गिफ्ट्स, तो वो बस उनको थैंक यू नोट भिजवा देती है रिप्लाई में। तो दो दिन के अंदर अंदर उनको 3 लाख रुपए का एक बिल आता है ब्रिटिश ज्वेलर्स से। पर महाराजा फिर भी खुश होते हैं बिकॉज उन्होंने 3 लाख रुपए तो उड़ा दिए पर साथ ही साथ उन्होंने किसी तरह अपना किंगडम बचा लिया।
कि ये देखा कि कैसे टाइगर किंग अपने स्टेट से सारे टाइगर्स को मारने की कोशिश करने वाले थे। तो हम देखेंगे कि आगे क्या होता है इन द फेज फोर। तो जो महाराजा का टाइगर हंट का क्वेस्ट था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। सो फार इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। और विद इन 10 years, मतलब 10 सालों में उन्होंने कम से कम 70 टाइगर्स मार दिए थे ऑलरेडी। और फिर एक अनफोर्सीन हर्डल आता है इस मिशन में, मतलब इस मिशन में एक दिक्कत आती है, इतनी बड़ी दिक्कत आती है कि बस उनका मिशन रुक ही जाता है। दैट मीन्स अ स्टैंड स्टिल, रुक जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि टाइगर बेसिकली एक्सटिंक्ट हो जाते हैं सारे प्रतिबंधापुरम के फॉरेस्ट से। तो ऑथर कहते हैं कि पता नहीं रीज़न क्या होता है, या तो जो टाइगर्स होते हैं वो बर्ड कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या तो हाराकिरी कमिट कर रहे होते हैं। हाराकिरी होता है सुइसाइड। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सिंपली स्टेट से सारे भाग चुके हो, बिकॉज उनको सिर्फ ब्रिटिश हाथों से मरना होता था। तो एक दिन महाराजा अपने दीवान को बुलवाते हैं और उसको कहते हैं कि दीवान साहब, क्या तुम्हें पता भी है कि मेरे इस मिशन में सिर्फ 30 टाइगर रह गए हैं जिसे मुझे अपनी गन से मारना है। और वो ऐसा कहते हैं, अपनी गन को बहुत ही डरावनी तरह से ऐसे वेव करते हुए, डोमिनेटिंग वे में वो गन को हैंडल कर रहे थे। तो हमारे जो दीवान हैं वो उनको देखकर डर गए बहुत ज़्यादा। यहाँ ब्रांडिशिंग का मीनिंग है टू वेव समथिंग इन अ वेरी स्कैरी मैनर बेसिकली, क्योंकि वो गन को बहुत ही स्कैरी वे में हैंडल कर रहे थे। टू वेव द गन बेसिकली। शटरिंग एट द साइट ऑफ द गन, शटरिंग का मीनिंग होता है कांपना। तो दीवान जो होता है वो देखता है गन को और उस कपकपाने लगता है वो बिल्कुल, और डर के मारे रोते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर। वो कहते हैं कि मैं टाइगर नहीं हूँ, तो आप मुझे मत मारना। पर फिर महाराजा कहते हैं कि कौन सा पागल तुम्हें बोलेगा कि तुम एक टाइगर हो। तो फिर दीवान कहते हैं कि नो, एंड आई एम नॉट अ गन। इस पॉइंट तक दीवान इतना डरा हुआ है कि वो बिल्कुल सेंसलेस बातें करने लग गया है, क्योंकि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा, वो इतना डरा हुआ है। तो जो टाइगर किंग है वो कहते हैं कि ना तो तुम एक टाइगर हो और ना तो तुम एक गन हो। वो कहते हैं कि दीवान साहब, मैंने तुम्हें बुलाया यहाँ इसलिए है क्योंकि एक नया पर्पस है। उन्होंने अब शादी करने के लिए डिसाइड कर लिया है। तो दीवान फिर से बकवास करने लगता है, बड़बड़ाने लगता है। वो कहता है कि योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, इफ़ आई मैरी यू। तो फिर से वो ऐसी अजीब अजीब बातें करने लगता है। तो फिर से गुस्से में महाराजा कहते हैं कि डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर। वो कहते हैं कि बकवास करना बंद करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, मुझे जो चाहिए वो है टाइगर। तो दीवान कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो सोचते हैं कि वो कह रहे हैं कि उनको टाइगर से शादी करनी है। तो फिर दीवान कहते हैं कि योर मैजेस्टी, प्लीज़ एक बार इस टॉपिक पे सोच लो फिर से। आपके जो एंसेस्टर्स थे, मतलब जो आपके पूर्वज थे, उन्होंने स्वॉर्ड यानी तलवार से शादी करी है। तो वो कहते हैं कि अगर आपको पसंद होगा तो आप एक गन से शादी कर सकते हैं, मतलब बंदूक से शादी कर सकते हैं, पर हमारी स्टेट के लिए टाइगर किंग बहुत मोर देन इनफ है, मतलब काफ़ी है, हमें और एक टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुन के महाराजा बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि ना तो मैं एक टाइगर से शादी करने की सोच रहा हूँ, ना तो गन से, पर एक लड़की से जो कि ह्यूमन बीइंग होगी। पर सबसे पहले मैं तुमसे ये करवाना चाहता हूँ कि तुम एक स्टैटिस्टिक्स बनवाओ, मतलब जांच करो, गैदर करो इन्फॉर्मेशन, और उसके बेसिस पर मुझे बताओ कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, और वो आसपास के स्टेट्स होने चाहिए, नेटिव मीन्स आसपास के स्टेट्स। इसके बाद यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। तो इसके बाद तुम ये चेक करो कि किसी रॉयल फैमिली में कोई लड़की है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ, जिसमें एक लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स भी हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि टाइगर किंग अभी भी बेसिकली सिर्फ टाइगर्स पे फोकस कर रहे हैं। उनको शादी करने के लिए भी ये चाहिए कि उनकी जो वाइफ हो वो ऐसे स्टेट से हो जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, सो दैट वो अपना मिशन पूरा कर सके। तो जो दीवान हैं उनके फॉलो करते हैं ऑर्डर्स, एंड वे वो ढूंढ लेते हैं एक लड़की जो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है, जिनके स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स होते हैं, और फिर उनकी शादी फिक्स हो जाती है। उसके बाद महाराजा जंगजंग बहादुर जब जब अपने फादर इन लॉ के स्टेट में जाते हैं, हर बार वो वहाँ पे जाके 5 or 6 टाइगर्स को मार देते थे। तो इसी तरह हमारे टाइगर किंग ने 99 टाइगर्स को ऑलरेडी मार दिया है, और उनका जो स्किन होता है, टाइगर स्किन, मारने के बाद उनकी स्किन को उन्होंने अपने
पैलेस के प्रतिबंधापुरम के पैलेस के वॉल्स पे सजा रखा है। तो अब हम अपने चैप्टर के फिफ्थ फेज पे हैं। तो इसमें यह होता है कि अब जब 99 टाइगर्स महाराजा ने ऑलरेडी मार दिए हैं तो अब उनकी एंग्जाइटी बढ़ने लग जाती है। एंग्जाइटी मतलब चिंता और डर, तो उनकी बिल्कुल हाइट्स पे पहुंच जाती है एंग्जाइटी व्हेन देयर रिमेन जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ द 100। तो बस अब एक टाइगर मारना और बच गया होता है, पर इसी वजह से वो डरे हुए होते हैं क्योंकि उनके एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि 99 टाइगर्स तो वो मार सकते हैं पर जो 100th टाइगर होगा वो उनको मार डालेगा। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। तो वो रात दिन बस इसी टॉपिक पे सोचते रहते थे। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन द फादर इन लॉज किंगडम। तो उनके फादर इन लॉ के किंगडम में भी सारे टाइगर्स अब मर चुके थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब ये पॉइंट आ गया था कि टाइगर्स ढूंढना ही मुश्किल हो गया था कहीं पर भी, पर अब सिर्फ एक टाइगर बचा था उनके मिशन को कंप्लीट होने के लिए। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट। अब जब महाराजा इतने डरे हुए थे तो उनके पास दिमाग में ये चलता था कि बस एक लास्ट टाइगर को वो मार देंगे तो उनकी सारी उनका सारा डर उनके दिमाग से दिल से निकल जाएगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। तो फाइनली इस मिशन को पूरा करने के बाद उनको टाइगर हंटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इट्स नॉट दैट द टाइगर किंग एंजॉयड इट, इट्स दैट कि उनको कुछ प्रूव करना था। जैसे कि हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि टाइगर किंग एज अ कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा एग्जाजरेट किया हुआ है, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के बताया हुआ है और उनमें बहुत ईगो है, वो अपने आप को बहुत मानते हैं। तो उनको बस ये प्रूव करना था कि वो एक्चुअली में इंडोमिटेबल है, जिसका मीनिंग था कि जिसको हराया नहीं जा सकता। पर लाइक आई सेड बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। तो वही लास्ट टाइगर के साथ उनको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना था। उनको हमेशा याद रहता था कि चीफ एस्ट्रोलॉजर ने उनको क्या बोला था उनके बर्थ के टाइम पर, कि इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100th, कि 99 टाइगर्स तो तुम मार दो बट 100th टाइगर में तुम्हें केयरफुल रहना है। तो विच वॉज फेयर इनफ एंड ट्रू इनफ, कि वो सच था, बिल्कुल सच था। द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, कि टाइगर्स बहुत ही ज़्यादा सैवेज बीस्ट होते हैं, वो बहुत विशियस होते हैं। सैवेज का मीनिंग होता है कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल एंड मतलब अटैक कर देंगे वो देखते ही, उनको वो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट होते हैं। तो इसीलिए सभी को उनके आसपास बहुत ही चौकन्ना रहना होता है, मतलब हमेशा कॉशन रखना पड़ता है। बट वेयर वॉज द 100th टाइगर टू बी फाउंड, पर 100th टाइगर तो मिलने को ही तैयार नहीं था। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क दैन अ लाइव टाइगर। टाइगर का दूध मिलना इट वॉज ईजियर, उसको ढूंढना उससे ज़्यादा आसान था, पर एक जिंदा टाइगर ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। तो महाराजा बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। पर सून एक अच्छी खबर आती है, बहुत जल्दी एक अच्छी खबर आती है जो उनका सैडनेस को दूर कर देता है। ग्लूम का मीनिंग होता है एक डार्क टाइम या डिप्रेशन, समथिंग लाइक दैट। तो इन हिज ओन स्टेट द शीप्स बिगन टू डिसअपीयर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिलसाइड विलेज। तो उन्हें पता चलता है कि उनके हिलसाइड विलेज के पास वहाँ पे जो बकरियाँ होती है वो गायब हो रही थी। तो इसका बस एक ही मतलब होता है कि वहाँ पे शायद टाइगर्स हैं। इन द लाइन इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क दैन लाइव टाइगर, यहाँ पे हमारे ऑथर ने हाइपरबोले का यूज़ किया है, एक लिटरेरी डिवाइस। उसमें यह होता है कि किसी इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल दिखाना, जैसे टू फाइंड अ टाइगर्स मिल्क दैन अ लाइव टाइगर। ऑब्वियसली कोई टाइगर का मिल्क इजीली कोई नहीं ला सकता, अगर लाइव टाइगर ही नहीं है तो तुम्हारे पास टाइगर्स मिल्क कहाँ से आएगा। सो इम्पॉसिबल चीज़ करना ज़्यादा ईजी लग रहा था इस पॉइंट पे, सो दिस इज़ हाउ दे यूज्ड हाइपरबोले। तो इसमें सबसे पहले उनका मिशन ये था कि सबसे पहले वो चेक करेंगे कि ये सब जो काम है कि ये शीप्स का गायब होना, ये कहीं खादेर मियान साहेब या विरासमी नायकर का काम तो नहीं है, क्योंकि ये तब के बहुत ही फेमस डाकू हुआ करते थे जो जाने जाते थे इसलिए कि वो शीप्स को ऐसे एक बारी में ही स्वॉलो कर जाएंगे, मतलब खा जाएंगे। पर श्योरली आफ्टर चेकिंग उनको पता चला कि ये पक्का पक्का किसी टाइगर का ही काम है। द विलेजर्स रान टू इन्फॉर्म द महाराजा। तो जो विलेजर्स थे वो तो परेशान थे कि उनके सारी शीप्स गायब हो रही है, तो वो भाग भाग के गए महाराजा को बताने के लिए। तो वो इतने और उन्हें ये भी पता था कि महाराजा टाइगर्स ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। तो ये न्यूज़ सुन के महाराजा इतने ज़्यादा खुश हुए
कि महाराजा ने अनाउंस कर दिया कि 3 साल तक किसी भी आदमी जो उस विलेज में रहता है उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एंड फिर वो खुशी खुशी अपने हंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। जो टाइगर था वो मिल ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़बरदस्ती अपने आप को छिपा के बैठा है ताकि वो महाराजा की बेइज्जती करवा सके। फ्लाउट मीन्स मॉक, और मतलब ज़बरदस्ती किसी को डिसोबे करना इन ऑर्डर टू डिसरिस्पेक्ट द पर्सन। एंड वॉन्टनली का मीनिंग होता है डेलिबरेटली, मतलब ज़बरदस्ती। तो महाराजा वॉज इक्वली डिटरमिंड, और जो महाराजा थे उन्होंने भी ठान रखी थी कि वो मार के ही रहेंगे टाइगर को। तो ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। तो उन्होंने बिल्कुल मना ही कर दिया कि जब तक टाइगर नहीं मिलेगा तब तक वो फॉरेस्ट को छोड़ेंगे ही नहीं और वो जाएंगे ही नहीं घर। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे महाराजा का गुस्सा और उनका ज़िद्दीपना बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो बहुत ही सारे ऑफिसर्स वगैरह को अपना जॉब्स छोड़ना पड़ गया, उनको निकाल दिया गया था बेसिकली। एक दिन महाराजा का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि महाराजा ने बोला, पहले उन्होंने महाराजा ने दीवान को बुलवाया और उन्होंने उसको ऑर्डर किया कि सभी को आज के बाद लैंड का जो टैक्स होता है, मतलब ज़मीन का जो टैक्स होता है, उसको बढ़वा दो और डबल कर दो। तो वो आज के बाद से सबको डबल टैक्स देना पड़ेगा। तो उनके जो स्टेट के लोग थे वो सभी बहुत ही ज़्यादा नाखुश हो गए, मतलब डिसकंटेंटेड हो गए, क्योंकि वो बहुत ही चिंतित थे कि अगर उन लोगों ने अपने राज्य पे ध्यान नहीं दिया तो फिर वो बहुत ही जल्द इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर आने लगेंगे, मतलब वो उन पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो अगर वो राजा को टोकते थे तो राजा उनको रिप्लाई में ये बोलते थे कि इस केस में तुम अपना रिजिग्नेशन दे दो अपने पोस्ट से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो दीवान जब घर जा रहा होता है तब वो उसको पूरा पूरा यकीन होता है कि अगर महाराजा ने जल्दी से टाइगर को नहीं ढूंढा तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक होंगे। कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हाल हो सकता है उनके स्टेट का। कैटास्ट्रोफिक मीन्स एक लार्ज स्केल पे बहुत ही ज़्यादा ऑफुल कुछ होना। He felt like returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. तो हमारे जो दीवान हैं उन्होंने पहले से ही एक टाइगर मंगवा रखा है मद्रास के पीपल्स पार्क से, और उन्होंने ये साजिश पहले से करी हुई थी और अब वो बस वेट कर रहे हैं कि वो टाइगर उनके पास आएगा और वो टाइगर अपने महाराजा के पास वो लेके जाएंगे और फिर ही वो उनको मिलना चाहते थे। तो एट midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. वो किसी तरह सीट में उसको टाइगर को डाल देते हैं। तो दीवान खुद ही अपने आप गाड़ी सीधी सीधी चला के फॉरेस्ट के पास ले जाता है जहाँ पर महाराजा हंटिंग कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. तो जब टाइगर को लेके वो फॉरेस्ट में पहुंचते हैं तो टाइगर एकदम ज़िद्दी हो जाता है और एकदम जैसे एक जगह बैठ जाता है जैसे वो सत्याग्रह कर रहा हो, और वो कार में से निकलने से ही मना कर देता है। तो जो दीवान होता है वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, एग्जॉस्टेड मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना। इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, तो उनको बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है उस टाइगर को कार में से निकाल के बाहर फेंकने की। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. इसका मीनिंग ये है कि जो सेम टाइगर होता है जो दीवान एक दिन पहले उस फॉरेस्ट में छोड़ता है, तो वही टाइगर महाराजा के सामने जाकर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कि वो बहुत ही हम्बली उनको कह रहा हो, बहुत ही प्यार से कह रहा हो कि प्लीज़ आप मुझे मारो और किसी भी तरह से मैं आपके काम आ सकूँ तो वो करवा लो। तो मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी। तो शेर को देख के महाराजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ही हैज़ बाउंडलेस जॉय, मतलब बिना किसी सीमा की जॉय, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती है उन्हें। और वो ये देखते हैं कि महाराजा बहुत ही ध्यान से एक एम लेते हैं, मतलब निशाना लगाते हैं बीस्ट पर। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, और तभी जो टाइगर होता है वो एकदम से गिर जाता है। तो जो टाइगर किंग होते हैं वो खुशी खुशी चिल्लाते हैं कि आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, माई वाव हैज़ बिन फुलफिल्ड। तो महाराजा ये सब देखकर इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि वो बोलते हैं कि मैंने अपने 100th टाइगर को भी मार दिया तो मेरा वचन अब पूरा हो गया है।
तो महाराजा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो फाइनली रिलीव भी हो जाते हैं कि अब उन्हें और कोई टाइगर मारना नहीं पड़ेगा। फिर वो ऑर्डर करते हैं कि टाइगर को लेके आओ कैपिटल में इन अ ग्रैंड प्रोसेशन, मतलब बहुत ही अच्छे से बिल्कुल फंक्शन के साथ उसको सेलिब्रेट करते करते कैपिटल के अंदर, मतलब स्टेट के अंदर लेके आओ। और फिर महाराजा अपनी गाड़ी में बैठ के वापस अपने राज्य में वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। तो महाराजा जब चले जाते हैं अपनी गाड़ी में बैठ के, तो हंटर्स टाइगर के पास थोड़ा जाते हैं तो चेक कि क्या हाल होता है टाइगर का। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बाफलमेंट। तो वो देखते हैं कि जो टाइगर है वो बस फेंट हुआ होता है, वो अपनी आइज रोल कर रहा होता है, मतलब आंखें खोलता है, और वो भी टाइगर भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज लग रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। तो उन्हें तभी लोगों को पता चल जाता है कि टाइगर जो है वो मरा है ही नहीं अभी तक, द बुलेट हैड मिस्ड इट। तो जो महाराजा ने जो गोली मारी होती है वो मिस हो जाती है, मतलब उसे लगती ही नहीं है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट। तो जो टाइगर होता है वो बेसिकली बुलेट की आवाज़ सुनने से फेंट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत एक बूढ़ा टाइगर होता था। जो गोली होती है वो टाइगर के साइड से पास हो जाती है, विजिंग पास्ट, मतलब साइड से निकल जाती है। द हंटर्स वंडर व्हाट दे शुड डू। तो हंटर्स सोच में पड़ जाते हैं कि वो अब करें तो क्या करें। तो वो मिलके फाइनली डिसाइड ये करते हैं कि वो महाराजा को बताएंगे ही नहीं कि उन्होंने अपना एम मिस कर दिया और अपना टारगेट उनका लगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो बता देते तो उनका खुद का जॉब भी जाता, क्योंकि महाराजा ऐसे गुस्से में लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम से निकाल रहे थे। तो एक हंटर जाके एम लेता है एक एक फीट के डिस्टेंस से और टाइगर को शूट करता है, और इस बार फाइनली टाइगर मर जाता है मार्क बिना मिस करे। उसके बाद जैसे टाइगर किंग ने बोला था कि उसको डेड टाइगर को पूरे प्रोसेशन में एकदम फंक्शन के साथ सेलिब्रेट करते करते पूरे टाउन में घुमा के लेके आओ और उसके बाद बरी कर दो, मतलब दफना दो। तो उसी दफनाई हुई जगह पे एक टूम खड़ा करा गया। टूम का मतलब होता है कब्र, और कभी टाइगर्स के लिए कब्र नहीं खुदवाई जाती, उनको बस किसी तरह डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उनकी स्किन को यूज़ करा जाता है बस। पर इस वाले टाइगर के लिए राजा ने टूम बनवाया। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। तो महाराजा के छोटे बेटे का थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग। आज के पहले महाराजा ने अपना सारा वक्त टाइगर हंटिंग के बारे में सोचा होता है, कंस्पायर किया होता है, उसके बारे में प्लानिंग करी होती है। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता कि वो अपने छोटे बच्चे को, अपने छोटे प्रिंस को थोड़ा बहुत भी वक्त दे पाए। पर अब जब वो फ्री हैं तो वो अपना सारा टाइम और अटेंशन अपने बच्चे के टुवर्ड्स डालने लग जाते हैं। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। तो वो सोचते हैं कि इस बारी उसके बर्थडे पे वो बहुत ही स्पेशल सा गिफ्ट देंगे अपने बेटे को। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधापुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप एंड कुडंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल। तो उन्होंने पूरी प्रतिबंधापुरम उनके स्टेट के हर एक शॉप में ढूंढा, पर उन्हें कुछ भी कुछ अच्छा नहीं मिला कि वो जो अपने बच्चे को दे सके। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज अ परफेक्ट गिफ्ट। तो उन्होंने फाइनली एक टॉय शॉप में देखा कि एक वुडन टाइगर होता है, और उसको देख के उन्हें लगता है कि ये सबसे परफेक्ट गिफ्ट है देने के लिए। तो वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड 1/4। पर जो शॉपकीपर होता है उसे पता होता है कि अगर वो इतनी कम रकम बताएगा उस टॉय की तो फिर महाराजा उसे पनिश करेंगे अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। तो उन्होंने ये बोला कि योर मैजेस्टी, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, अ बार्गेन एट 300 रुपीज़। इवन दो वो जो टॉय था वो 2 आनास एंड 1/4 का था, पर उन्हें पता था कि अगर वो कम वैल्यू बताएंगे उस टॉय की तो उनको बहुत ही ज़्यादा पनिश किया जाएगा, क्योंकि वो जो गिफ्ट था वो महाराजा खरीद रहे थे, तो इट हैज़ टू लुक वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वैल्यूएबल। तो इसीलिए वो उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि योर मैजेस्टी, ये जो टॉय है वो एक बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है क्राफ्टमैनशिप का, तो फाइनली आपको हम देंगे 300 रुपये में, और वो भी एक बार्गेन है, वरना उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जो टाइगर किंग होते हैं वो कहते हैं, वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। तो
जो टाइगर किंग होते हैं वो बस ऐसे बोलते हैं कि ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये, तो ये हमारे जो क्राउन प्रिंस है मतलब मेरा बेटा, उसके लिए भी बर्थडे गिफ्ट है। सो वो बस ऐसे बोलते हैं और निकल जाते हैं उसको अपने साथ लेके। तो छोटे प्रिंस के बर्थडे के दिन फादर एंड सन उस टाइनी वुडन टाइगर के साथ बहुत खेलते हैं। और ये जो वुडन टाइगर होता है वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने कार्व किया था, मतलब एक बहुत ही अनस्किल्ड आदमी ने बनाया था। कारपेंटर वो होते हैं जो वुड से काम करते हैं। तो इट्स सरफेस वॉज रफ, उसका जो सरफेस होता है वो बहुत रफ होता है, उसमें टाइनी स्लिवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। उसमें जो टाइनी टाइनी वुड के पीसेस थोड़े थोड़े पिंस जैसे निकले हुए होते हैं, क्विल्स मीनिंग पिंस। तो उसका जो एक टाइनी स्लिवर होता है वुड का, वो पीस महाराजा के राइट हैंड में जाके चुप जाता है। तो महाराजा बस ये करते हैं कि उसको निकाल लेते हैं अपने लेफ्ट हैंड के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ वापस खेलने लग जाते हैं। उनको ये कोई चिंता वाली बात नहीं लगती। पर अगले दिन वो देखते हैं कि उनके हाथ में बिल्कुल इन्फेक्शन हो चुका होता है, राइट हैंड पूरा सूजा हुआ होता है, और वो देखते हैं कि इट डेवलप्ड इनटू सेपरेटिंग सोर। सेपरेटिंग सोर मीनिंग उसमें से वो इतना बड़ा हो चुका होता है और इतना इन्फेक्टेड हो चुका होता है कि उसमें से पस निकल रहा होता है, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। उनके पूरे हाथ में ऐसे इन्फेक्शन फैल जाता है। थ्री फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन टू फ्रॉम मद्रास। तो तीन बहुत ही फेमस सर्जन्स को बुलवाया जाता है मद्रास से, और उसके बाद वो जांच करते हैं, मतलब कंसल्टेशन करते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें उनके ऊपर सर्जरी करनी पड़ेगी, मतलब ऑपरेट करना पड़ेगा। सो द ऑपरेशन टुक प्लेस, फाइनली ऑपरेशन हो जाता है। द थ्री सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। तो फाइनली जो महाराजा के ऊपर ऑपरेशन कर रहे होते हैं वो थ्री सर्जन्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था, जो महाराजा है वो मर चुके हैं। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे लिटरेरी डिवाइस आयरनी यूज़ किया हुआ है। आयरनी वो होता है कि तब तुम कह कुछ रहे हो बट उसको दिखा कुछ रहे हो इस तरह कि वो बहुत पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। अगर डॉक्टर्स उन पे ऑपरेट करें तो ऑब्वियसली उनका मेन मोटिव ये होगा कि उनकी जान बचाएं। पर वो जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं तो वो बोलते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था, महाराजा की मौत हो चुकी है। तो इससे हम ये भी बता सकते हैं कि कोई भी टाइगर किंग को जेन्युइनली पसंद नहीं करता था। सभी के सभी चाहते थे कहीं ना कहीं कि उनकी मौत हो जाए, तभी जो उनके स्टेट के लोग थे उन सब के लिए ये वाली बात बहुत ही अच्छी थी किसी तरह से। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और अब हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।